सत श्रीकाल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना सुखदीप ढिल्लों ट्रैवलर सुखदीप ढिल्लों यूट्यूब चैनल तो तुम मेरे ब्लॉग तो फेसबुक पेज तो देखते रहते हो। तो अज तुम लैके आए आप कांगड़ा फोर्ट के अगे तू विखावे कांगड़ा फोर्ट देख सकते हो। कांगड़ा फोर्ट की हिस्ट्री दोस्तों सामने तुम देख रहे हो कांगड़ा फोर्ट का मेन द्वार जिसका नाम है रणजीत सिंह द्वार। तो ये रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह सन जिन्हां दे अधीन एक किला रहा है। ये है दोस्तों किले का मेन द्वार। तो इस मेन द्वार का नाम है रणजीत सिंह द्वार। तो ये रणजीत सिंह कौन सी? ये महाराजा रणजीत सिंह शेर ए पंजाब जिन्होंने बहुत सोहना राज किया। जिवें कहते हैं भी महाराजा रणजीत सिंह का राज सरकार भी कह दिया भी असं द्वारे लियावे पर हले तक किसी तो हो नहीं सकया। तो ये द्वार महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखे। तो ये किला किसी टाइम महाराजा रणजीत सिंह जी के अधीन रहा। तो उन्होंने तो यह किला जदों अंग्रेजा ने भारत यानी कि पंजाब नूं अपने अधीन किया है तो उदों यह किला अंग्रेजा नूं चला गया सी। आओ फिर तुहानू अगे सारा दिखावांगे। हाँ जी दोस्तों, तुहानू अज लैके आए हैं कांगड़ा फोर्ट किले दे विच। ते एक किले बारे तुहानू अंदर जाके सारा दसांगे। तो पर ये जिहड़ा मेन गेट है किले का जिन्हों रणजीत सिंह द्वार कहते हैं तो ये महाराजा रणजीत सिंह जी के नाम से इस गेट का नाम रख्या होया क्योंकि ये किला किसी टाइम महाराजा रणजीत सिंह जी के अधीन रहा है। तो आओ फिर अगे चलते हैं। तो मेन गेट आप एंट्री कर लगे हैं। आयो फिर अगे दोस्तों, फिर तुम अगे ला चलीए। ये एक मेन गेट क्रॉस करके अगे होर एक गेट। बहुत ही तंग रस्ता कहते इस करके तंग रस्ता बनाया से भी जदों भी कोई इस ते बैरी या दुश्मन हमला करते सी ता ये तंग रस्ते दे सामने इस किले के रक्षक बैठे होंदे सी जिहड़े कि तीरां दे निशाना उन्हां नूं बना दिंदे सी यानी कि तीर चला के उन्हां दी मार दिंदे सी। ते इसलिए इस किले दे विच्चों बहुत ज़्यादा मात्रा में जां कट्ठे जिहड़े दुश्मन निशाना नहीं आ सकदी सी क्योंकि अगे तीरअंदाज बैठे होंगे जिहड़े उन्हां नूं निशाना बना देंदे सी। काफ़ी तंग रस्ता पर दोस्तों एक होर गल दसां तुहानूं वी इह किला भारत का सब तो पुराना किला ते हिमाचल का सब तो वड्डा किला है। ये दरवाज़ा आ गया जी अगे एक होर। तो इस दरवाजे का नाम है अहनी दरवाज़ा। यह अहनी दरवाज़ा जाओ फिर अगे। ये अपना पुराने दरवाजे जिहड़े अपने सत्था च बने हुए है उस दी तर्ज ते तकरीबन उस टाइप का ही बनया हुआ है। पुरानी कलाकृति है आ उस तरह शैडा तो थड़े बने हुए जिमें अपने बांदे सत्था के पुराने। होर इस किले के इतिहास बारे तुम दस दें। आ दोस्तों जी चीज़ें ना तुम देख सकते हो ये नीचे इतों जाते हैं। ये बाहरों जी कोई सैना अटैक करती से इस किले तो इतों उन्होंने तीर दग जाते ही रफलों नाल गोलियां चलाइया हुई जो भी है उन्होंने अटैक किया जाता से इतों। ये सारे जिहड़े मोरे बने हुए थले भी इस करके ही है। आ जाओ फिर अगे भी मेरे नाल। दोस्तों जदों तो इस किले एंटर किया हुण तक काफ़ी तंग रस्ता ही चल रहा है। तो एक होर गेट शायद 1905 जिहड़े आए भूकंप दे विच डिग पिया होगा। तो मूहरे जांदा साडा सूरमा। हाँ भी जोधिया किवें है? ठीक है, कर रहे इंजॉय?
ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਊ ਕੁਛ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 1953 ਆਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੈ ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਜੂਦ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 1905 ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਟੈਂਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿਨਾਥ ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਅੰਬਿਕਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਟੈਂਪਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਟੈਂਪਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੈਂਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਸ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਚੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 1905 ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਰੀਕੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ
सारे अवशेष उस इस किले के है, क्योंकि ये दरवाजे एंट्री गेट भावें बहुत तंग है पर अंदरों यह किला बहुत ही ज़्यादा खुला है। तो हिमाचल का सब तो बड़ा किला है। तो अगे है इस किले का वो व्यू पॉइंट जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता सैलानिया वालों। इस व्यू पॉइंट से खड़ के तुसी कांगड़े का सारा आला दुआला देख सकते हो, बहुत सही है। आए सारा किला देख के तो आ है सारा व्यू पॉइंट जिथे बहुत ज़्यादा सैलानी इतने जमा होंगे, क्योंकि इस सवेरे सवेरे ऐ हाले कोई है नहीं। तो इतों तुसी सारे कांगड़े का आला दुआला देख सकते हो, बहुत ही सुंदर दृश्य तुम इतों दिखता है। ये सारा आसे पासे चेक करो, वो सामने तुम देख सकते हो इधर वो बर्फ चिट्टे पहाड़ धौलाधार पर्वत लड़ी है वो दोस्तों, बदला उपर के नीचे पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ में लगते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो आओ फिर इधरों भी तुम थोड़ा जहा दिखा दें। इधर वो सामने तुम रिवर देख सकते हो, नदियाँ दो जड़िया इतने, इन्हों दो नदियों के उपर ही ये किला बनया हुआ है। तो सामने सारा पहाड़ी व्यू, इधरली साइड तो भी चेक करो, आ दो नदियां दोस्तों एरिया बह दें, इन्हां दे सेंटर दे विच किला बनाया सीगा, क्योंकि जो भी कोई बड़े किले बनते सीगे तो उत्थे पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होंदी सी, इसलिए कोई भी किला तुसीं देखोगे तो वह तकरीबन पानी वाले सोमे के कोल बनया हुंदा। इधरों सारा देख सकते हो पहाड़ी व्यू तुसी, बहुत सुंदर। हाँ जी दोस्तों, तुसीं देख रहे थी कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट का सारा आला दुआला इसकी हिस्ट्री तो ये बारे तुहानूं दस्या। जेकर तुहानूं मेरी ये कोशिश चंगी लगी तो वीडियो तुहानूं पसंद आई तो इस वीडियो नूं लाइक कमेंट तो शेयर जरूर करो। सो दोस्तों तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।